No te manca la infancia más. Dharma premisa, Jino. Shraddha Murti Devi. सदगुरु कबीर कहते हैं, जब लग दिल पर दिल नहीं तब लग सब सुख नाय, चारु युगल पुकारिया सो संशय दिल माए। जब तक दिल पर दिल नहीं होगा तब तक सब सुख की प्राप्ति नहीं होगी। दिल पर दिल क्यों नहीं होता? क्योंकि चारों युगों से अर्थात सब समय से अनेक प्रकार की बातें जो कही जा रही हैं, उन बातों को सुन सुन कर दिल में संशय घर कर गया है, संशय की गांठ पड़ गई है। आदमी का दिल हर समय बहता रहता है, जो कुछ देखता है आदमी उसी में ही उसका दिल बह जाता है। सब कुछ मूल्यवान हो जाता है और आदमी स्वयं मूल्यहीन हो जाता है। दिल पर दिल का होना या दिल पर दिल का होना एक लक्षणा अर्थ है। मन का कहीं ना भटकना, दिल तो अपनी जगह पर है ही, लेकिन दिल का एक लक्षणा अर्थ है। जैसे हम कहते हैं दिल की आवाज सुनो, तो दिल की आवाज क्या है? दिल से कोई आवाज तो निकलती नहीं है। दिल से पूछो तो दिल से क्या पूछा जाएगा? दिल तो बोलता नहीं है। ये मेरे दिल की पुकार है, ये सबका अर्थ क्या है? अंतरात्मा की आवाज, विवेक। दिल से पूछो अर्थात विवेक पूर्वक विचार करो। तो यहां दिल पर दिल होना, मन का कहीं ना भटकना, किंतु मन का विवेक में स्थित हो जाना, ज्ञान में स्थित हो जाना, मन विवेक में स्थित हो गया, ज्ञान में स्थित हो गया तो अन्यथा बात तो नहीं सोचेगा। विवेक नहीं होने के कारण अन्यथा बातें सोचता रहता है, और जो कुछ दिखाई पड़ता है थोड़ा आकर्षक लगा मन उसी में बहता रहता है। मन का स्वभाव सोचना, समान रूप से मन हर समय कुछ न कुछ सोचता ही रहता है, लेकिन क्या सोचना चाहिए क्या नहीं सोचना चाहिए इस पर हम विचार नहीं कर पाते। जो नहीं सोचना चाहिए वह हम सोचते हैं, और जो सोचना चाहिए वह नहीं सोच पाते।
गुरुदेव जी प्राय कहा करते थे कि अकेले में बैठो मात्र आधा घंटा, और उस आधे घंटे में मन में जो जो विचार आते जाएं, ईमानदारी पूर्वक उन विचारों को कागज में लिख लें, तो उस कागज को दूसरों को दिखाने की हिम्मत नहीं पड़ेगी। इतनी खुराफात की बातें मन में आ जाएंगी। हर समय बहता रहता है आदमी का मन, नकारात्मक बातों को लेकर के सोचता रहता है, और नकारात्मक बातें जितनी अधिक सोचेंगे उतना ही अशांति पीड़ा का अनुभव, नकारात्मक बातें केवल दुखदायी होती हैं। कोई आदमी हो और अपने घर में पुरानी पुरानी बेकार की चीजों को लाकर इकट्ठा करता चला जाए, अब पूरा मकान अनुपयोगी पुरानी टूटी फूटी चीजों से भर जाए, तो कहा जाएगा ये आदमी पागल है। अनुपयोगी चीजों को, पुरानी चीजों को, टूटी फूटी चीजों को, बेकार की चीजों को घर में लाला करके जमा किया हुआ है, ऐसा कोई नहीं करता। अनुपयोगी टूटी फूटी चीजों को घर से निकाल कर बाहर फेंक देता है, लेकिन मन में कितनी अनुपयोगी बातें भरी हुई हैं, और एक न एक बात हम जमा करते रहते हैं। उपयोगी बातें, सकारात्मक बातें मन में बहुत कम इकट्ठी रहती हैं, नकारात्मक बातें, बेकार की बातें मन में ज्यादा जमी हुई है। कहीं गए, वहां पर हमारे मन के अनुकूल बहुत कुछ काम हुआ, एक दो काम मन के अनुकूल नहीं हुआ, एक दो बातें मन के अनुकूल नहीं हुई, तो तमाम ऐसी बातें जो मन के अनुकूल हुई मन उनको भूल जाएगा, और एक दो बातें जो मन के अनुकूल नहीं हुई उन बातों को पकड़ लेगा और बराबर याद करता रहेगा। 2 साल 4 साल भी बीत जाएगा और वो आदमी मिल जाए अचानक, कहेगा अच्छा 2 साल पहले इस आदमी ने मुझे ऐसी बात कही थी। उस आदमी ने बढ़िया बात भी कही होगी लेकिन वो बात भूल गई। एक दो अनसुहाती बात, अनसुहाती थी या नहीं, मन ने अनसुहाती मान ली, अब वही बातें चुभ रही है। अब उन्हीं नकारात्मक बातों के आधार पर हम उस व्यक्ति का मूल्यांकन कर रहे हैं। नकारात्मक बातों को सोचें, पुरानी बातों को जितना अधिक सोचेंगे, वो भी नकारात्मक बातों को, उतना मन दुखी रहेगा, उतनी पीड़ा का अनुभव, उतना सामने वाले के प्रति द्वेष भाव, एक महात्मा एक जगह थे, कार्यक्रम था सत्संग का, एक दिन उनके पास
गांव के कुछ प्रतिष्ठित लोग आए और कहा, महाराज अमुक आदमी एक सप्ताह बाद एक धार्मिक प्रसंग का आयोजन करने वाला है और प्रसंग में अपने गांव नगर के सभी लोगों को निमंत्रण दिया गया है, लेकिन भाई को निमंत्रण नहीं दिया गया और सभी लोग आएंगे, भाई नहीं आएगा। आप कुछ ऐसा प्रयास करें कि इतना बड़ा उत्सव, खुशी का माहौल, उस आदमी का भाई भी वहां आ जाता तो कितना बढ़िया होता। महात्मा ने बातें सुनी, कहा ठीक है देखूंगा। दो दिन के पश्चात महात्मा उस आदमी के भाई के यहाँ गया। आदमी भी धार्मिक था, संतसेवी, संत प्रेमी, देखा कि महात्मा जी आए हैं, बड़े आदर से बैठाया, स्वागत सत्कार किया, कहा महाराज हमारे घर में आपके दर्शन हुए, बड़ा हमारा सौभाग्य। कुछ बातचीत चली, महात्मा ने कहा मैंने सुना है कि तुम्हारे घर में कुछ दिन पश्चात एक धार्मिक आयोजन होने वाला है, बड़ी खुशी हुई, तो पूछने आ गया कि वो कौन धार्मिक आयोजन है, उसमें क्या क्या होना है। तो उस व्यक्ति ने कहा नहीं महाराज, आपको सूचना गलत मिली है, वो आयोजन मेरे यहाँ नहीं होने वाला है, मेरे भाई के यहाँ होने वाला है। महात्मा ने कहा कोई बात नहीं, अरे तुम्हारे भाई के यहाँ हो रहा है, मानो तुम्हारे यहाँ ही हो रहा है, भाई भाई में अलग कुछ अंतर थोड़े होता है, तुम भी तो उस प्रसंग में आओगे ही आखिर ना, तुम्हारा ही भाई का तो है। तो कहा नहीं महाराज मैं नहीं आ सकता, चाहे जो हजा नहीं आऊंगा, 20 साल हो गए भाई से संबंध कटे, अब भी 20 साल से हमारा और भाई का आना जाना बंद, 20 साल में मेरे बच्चों की शादी हुई, मेरा भाई मेरे यहाँ नहीं आया, भाई के बच्चों की शादी हुई, मैं उनके यहाँ नहीं गया, तो इस प्रथम में कैसे जाऊँगा। तो महात्मा ने कहा आखिर कौन सी ऐसी बात होगी, क्या कारण पड़ गया जिसके कारण तुम सबके यहाँ जाते हो, भाई के यहाँ जाना बंद है। उन्हें कहा महाराज क्या बताऊँ, 20 साल पहले भाई ने कुछ ऐसी बात कह दी थी जिससे संबंध टूट गया, और अभी भी वो बात जब याद आती है तो मुझे बड़ा दुख होता है, बड़ा क्रोध भी आता है। तो महात्मा ने कहा, थोड़ा महात्मा ने पॉइंट बदला, कुछ यहाँ और बातें होने लगी। बात करते करते महात्मा ने कहा क्या तुम्हारे घर में 4-5 साल पुराना कोई कैलेंडर रखा है क्या। उसने कहा नहीं महाराज, ये तो साल बदलता है, हम कैलेंडर बदल देते हैं, पुराने कैलेंडर रख करके क्या फायदा होगा, साल बदला कैलेंडर बदल दिए, पुराने कैलेंडर को घर में टांग करके रखने से क्या फायदा। महात्मा ने कहा तुम बड़े समझदार आदमी हो, सचमुच में पुराने कैलेंडर को घर में टांग कर रखने तो कोई फायदा नहीं, लेकिन ये बताओ भाई ने 20 साल पहले बात कही थी, दिल में टांग कर क्यों रखे हुए हो। कोई कह दिया कोई अनसहाती बात, दिल में टांग करके रख लेते हैं, और जब जब मन होता है तब खोल खोल कर देखते और पढ़ते रहते हैं, मन खराब करते रहते हैं, जीवन बर्बाद करते रहते हैं, हमारा दिमाग अनुपयोगी चीजों से भरा हुआ है। दुनिया का सबसे बड़ा कूड़ादान क्या है, आदमी का दिमाग, इतना बड़ा कूड़ादान और कहीं नहीं मिलेगा, सारी गंदगी मन में जमी है। हाँ यदि हम चाहें तो अपने मन को फूलों का गुलदस्ता बना सकते हैं, सुंदर सुंदर विचारों को रखकर, लेकिन ऐसा कहाँ होता है। दिल पर दिल नहीं है आदमी का, क्योंकि अनुपयोगी बातों में दिल लगा हुआ है।
नकारात्मक बातों में मन डूबा हुआ है, बेकार बेकार की बातें सोच रहा है। क्यों दुखी है आदमी? खाने को नहीं मिल रहा है इसलिए दुखी है, पहनने को नहीं मिल रहा है इसलिए दुखी है, रहने को मकान नहीं मिल रहा है इसलिए दुखी है, शरीर अस्वस्थ है इसलिए दुखी है, ऐसा नहीं है। हाँ, कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो रोगी हों, दरिद्र हों, मकान ना हों, लेकिन समान रूप से आदमी को खाने को मिल रहा है, पहनने को मिल रहा है, रहने को मकान मिल रहा है, शरीर स्वस्थ है, सब कुछ है, फिर भी क्यों दुखी? कारण क्या है? दुख क्यों मिट नहीं रहा है आदमी का? कौन कितने आध्यात्मिक ऊंचाई पर पहुंचता है, कौन आत्मस्थित होता है, कौन अपने आपको जीवन में मुक्त कर सकता है, वे तो अलग प्रसंग है। लेकिन सुख से जीना तो हर आदमी के बस की बात है। सुख बड़ा सस्ता है, जीवन बड़ा सरल है, लेकिन सुख महंगा हो गया है और जीवन उलझ गया है। गलत ढंग से सोच सोच कर आदमी अपने को कुछ कहीं जोड़ लेता है, कुछ मान लेता है, और जहां कुछ जोड़े कहां मान कुछ माने, फिर अपने को आदमी समान नहीं मानता, कुछ विशिष्ट मान लेता है। ये विशिष्ट मानना छोड़ें, हम सब समान आदमी हैं। समान बन करके रहना होगा, सामान्य बनने में ही सुविधा है, सरलता है, आराम है, सुख है, प्रसन्नता है। जितनी विशिष्टता है सब औपाधिक, बाहर बाहर से। हम क्या है? समान आदमी है। कोई अध्यापक, कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर, कोई वकील, कोई नेता, कोई पंच, कोई सरपंच, कोई कुछ और, ये विशिष्टता क्षणिक है। जब आप जन्मे तो भी आदमी थे, पढ़ रहे थे तो भी आदमी थे, किसी पद पर पहुंच गए तो भी आदमी थे, रिटायर्ड हो गए तो भी आदमी थे। सामान्य तो सब पूरे जीवन में है। अध्यापक कितने दिन के लिए हुआ? किस उम्र में? 20 साल 22 साल की उम्र में अध्यापक हुए, 7-12 साल की उम्र में सेवा मुक्त हो गए। तो अध्यापक पना कुछ दिन रहा, लेकिन आदमी पना वो तो जीवन भर रहना है ना। सामान्य बने, कुछ अपने को विशिष्ट ना माने, विशिष्ट माने ये क्लेश। कल एक महात्मा आए थे और भी भक्त लोग उनके साथ में बहुत लोग थे, ऐसे बातचीत चली, बातचीत कुछ देर बैठे, फिर मैंने पूछा महाराज जी भोजन? कहे भोजन तो नहीं हुआ है। तो मैंने अपने साथी से कहा भी जा देखो भोजनालय में, भोजन हो तो आपको ले जाएं, भोजन कराएं। तो महात्मा ने कहा मैं सामान्य भोजन नहीं करता हूं, दाल भात रोटी सब्जी था भोजनालय में, कहा कि मैं सामान्य भोजन नहीं करता हूं। तो मैंने कहा महाराज हम लोग तो सामान्य आदमी सामान्य भोजन ही करते हैं, विशिष्ट कहां से लाए, नहीं भोजन किए वो। अरे सामान्य ही तो असली है, दाल भात रोटी सब्जी ये तो सामान्य भोजन है, यही जीवन के लिए आवश्यक। जिसे भोजन, जिसे आप विशिष्ट भोजन मानोगे वही दुख का कारण बनेगा। कहीं किसी से जोड़ लिए, अमुक भोजन मिलेगा, ऐसा भोजन मिलेगा, अमुक अमुक ऐसी सब्जी रहेगी, ऐसा चावल रहेगा, बस दुखी होते रहो, दिखावा, बाहर का प्रदर्शन बहुत बढ़ जाता है। हम सब सामान्य हैं, मनुष्यता दृष्टि से सामान्य है और जीव दृष्टि से भी सामान्य है। जीव में कोई विशेषण नहीं है, जीव में कौन विशेषण? सारे विशेषण बंदे किसमें है? शरीर संबंध में।
और शरीर ही नष्ट हो जाने वाला है तो विशेषण कहां रहेगा। इसलिए सामान्य बने और सामान्य बन करके जीवन जिए तो जीवन बड़ा सरल हो जाएगा, उलझने नहीं आएगी। और जहां किसी से जोड़े विशिष्ट बने, उलझन पर उलझन आती जाएगी, मन बहता रहेगा, ठोकर लगती रहेगी। मैं कह रहा था क्यों दुखी आदमी, इसलिए नहीं कि खाने को नहीं मिल रहा है, पीने को नहीं मिल रहा है, रहने को नहीं मिल रहा है, पहने कपड़े नहीं मिल रहा है, सब मिल रहा है, दुखी क्यों है। कुछ विशिष्ट बनकर तमाम इच्छाएं कर करके और इच्छा भी जिनके जीवन में कोई आवश्यकता नहीं, जो सहज होता है ना वो बड़ा सरल होता है, बहुत सस्ता होता है और सबको उपलब्ध रहता है। जो विशिष्ट होता है वो सबको उपलब्ध नहीं हो पाता, और विशिष्ट है उसकी आवश्यकता भी नहीं होती। जैसे देख लें हीरा बड़ा मूल्यवान होता है, लेकिन हीरे की जीवन में क्या आवश्यकता, जिंदगी भर हीरा ना मिले तो जीवन में कोई कठिनाई नहीं होगी। यहां जितने लोग बैठे हुए हैं शायद ही किसी के पास हीरा हो, नहीं मिला हीरा, आराम से जीवन जी, लेकिन हीरा बहुत मूल्यवान और जीवन में कोई उसकी आवश्यकता नहीं। हीरा की अपेक्षा सोना ज्यादा सस्ता है तो ज्यादा उपयोगी है, कुछ गहने बनाते हैं, आभूषण बनाते हैं और ज्यादा उपलब्ध है। हीरा सब जगह मिलेगा भी नहीं, सोना ज्यादा मिल जाएगा तो ज्यादा उपयोगी भी है, उसे सस्ता है। चांदी सोने से भी सस्ती है तो और ज्यादा उपयोगी है, जल्दी सुलभता से मिल जाता है, बहुत लोगों को आता है। लेकिन चांदी से भोजन और सस्ता है, और बिना सोना के बिना जीवन चलेगा, चांदी के बिना जीवन चलेगा, भोजन के बिना तो जीवन नहीं चलेगा। चांदी भी कितने लोगों के पास होगी, बहुत लोगों पर चांदी नहीं है, लेकिन भोजन तो किसी न किसी प्रकार सबको मिल ही रहा है, तो भोजन और सस्ता है और जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक, बिना भोजन जीवन चलेगा नहीं। लेकिन पानी भोजन से भी सस्ता, बिना पैसे के मिलता है, बिना भोजन के तो दो चार छह दिन रह लेंगे, बिना पानी के रहना मुश्किल। तो पानी तो हर जगह सुलभ है, पैसा भी नहीं देना पड़ता और सस्ता है बहुत। पानी न भी मिले तो दो चार छह घंटा होता तो दिन भर आप रह सकते हैं। कई लोग निर्जला व्रत रहते हैं तो सुबह से शाम तक पानी 24 घंटा भी नहीं पीते पानी, तो चार से दस बारह घंटा पानी न मिले तो भी जीवन चलेगा। हवा एक मिनट न मिले तो दम घुट जाएगा, और हवा के लिए कहीं जाना भी नहीं पड़ता, पानी के लिए तो जाना पड़ता है, कुआं खोदो, नल गाड़ो, ये करो वो करो, और हवा के लिए कुछ नहीं करना पड़ता, जहां बैठे वहां हवा मिल रही अपने आप बिना पैसे के। और कितना उपयोगी है हवा, अत्यंत उपयोगी, उसके बिना जीवन कुछ पल में ही समाप्त। हवा भी बाहर है, हवा भी बाहर से आती है जाती है, आप अपना स्वरूप जीव वो तो न लेना पड़ता है और न छोड़ना पड़ता, वो तो आप खुद ही हैं। तो सबसे सस्ता, सबसे अत्यंत मूल्यवान और बिना कीमत के क्या है, आपका अपना होना। आप हैं तब हवा की आवश्यकता पड़ती है, आप ना हो तो हवा की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी शरीर के लिए, और वो उसकी कोई कीमत नहीं है बिना कीमत के, और वो क्या है, सबसे सामान्य। तो जो सामान्य है वही मूल्यवान होता है, और जो विशिष्ट है मूल्यवान होते हुए भी उसकी कोई कीमत नहीं, उसकी आवश्यकता जीवन में होती नहीं है। तो सामान्य बने, सहज मनुष्य बन जाए और अपने को मनुष्य मान करके बस लोगों से प्रेम का व्यवहार करें, तकलीफ कहाँ होगी।
जीवन गुजर की जो चीजें सामान्य चीजें हैं वो तो मिलती ही रहेंगी। जोड़ जोड़ करके जितना हम अपने को जोड़ते जाते हैं उतना हमारा मन बहता चला जाता है। दिल पर दिल क्यों नहीं है? क्योंकि हमने अपने दिल को तमाम जगह पर जोड़ रखा है। दिल तो लगा है कहीं ना कहीं पर, सोचे कि दिल लगा कहां पर है। अनात्म वस्तुओं में दिल जितना लगता चला जाएगा उतना दिल से दिल दूर होता चला जाएगा। और हर समय मन अनात्म वस्तुओं का ही चिंतन कर रहा है, उन्हीं में डूबा हुआ है। शरीर से लेकर सब कुछ अनात्म तो है, यद्यपि जब तक जीवन है तब तक अनात्म वस्तुओं का आवश्यकता है। शरीर अनात्मा है, शरीर अपना तो अपना आपा तो नहीं, अपना स्वरूप तो नहीं है शरीर। लेकिन अनात्म शरीर के लिए अनात्म वस्तुओं की आवश्यकता होती है, लेकिन उसमें दिल को जोड़ना, मन को जोड़ करके रखना, उसके बिना बेचैनी का अनुभव करना, व्याकुल रहना, ये तो अपने को दुखी करना है। तो जब लग दिल पर दिल नहीं तब लग सब सुख नहीं। सदगुरु कहते हैं जब तक दिल पर दिल नहीं होगा तब तक सब सुख नहीं मिलेगा। अनात्म वस्तुओं की प्रीता, अनात्म वस्तुओं का मोह छोड़ें, तब दिल पर दिल होगा, तब मन अपने आप आत्मा में लगेगा, ज्ञान में विवेक में लगेगा, और तब सब सुख मिलेगा। दुनिया का सुख थोड़ा सुख है, भोजन से भूख का दूर, भोजन से भूख का जो दुख है वो दूर हुआ, थोड़ा सुख मिला, भोजन खाए थोड़ा सुख मिला, प्यास लगी थी पानी पिए थोड़ा सुख मिला, नींद सोए रात में नींद लगी थकावट दूर हुई थोड़ा सुख मिला, मित्र से मिलन हुआ थोड़ा सुख मिला, जितने भी इंद्रियजन्य जितने भी सुख है सारे के सारे सुख थोड़ा सुख है, अल्प सुख है, अल्प सुख दुख आदि वंतसारकत। इसलिए इंद्रियों के संपर्क से मिलने वाले जितने भी सुख हैं सब अल्प हैं और परिणाम में दुख उत्पन्न करने वाले हैं। ऐसा कौन सुख है जो सब सुख है, जिसमें दुख नहीं है, जो मिटने वाला नहीं है? वह सुख है चित्त की निर्मलता का, चित्त के अंतर्मुखता का। और चित्त अंतर्मुख कैसे बने? चित्त अंतर, चित्त है बहिर्मुख, तो दिल पर दिल कैसे होगा? जब हमारा चित्त हमारा मन अंतर्मुख होगा तब दिल पर दिल होगा। अध्यात्म जगत में हमें काम क्या करना है, सब सुख के प्राप्ति के लिए कौन सा उपाय करना है? बाहर कुछ भी उपाय करने सब सुख नहीं होगा। काम क्या करना है? दो ही काम करना है साधना के लिए, दो बातों पर ध्यान दें। और जितने मत पंथ संप्रदाय हैं, जितने प्रकार के साधक हैं, सबके लिए उपयोगी है। वो क्या है? देह भाव मिटे, आत्मभाव जागृत हो, बहिर्मुखता मिटे, अंतर्मुखता बढ़े, बस इतनी पूरी साधना हो गई। लेकिन देह भाव प्रबलता से गड़ा हुआ है मन पर, तो आत्मभाव कैसे बने? आत्मभाव में मन कैसे लगे? और जब तक आत्मभाव नहीं होगा तब तक बहिर्मुखता मिट करके अंतर्मुखता कैसे होगी? देह अनात्म, देह संबंधी प्राणी पदार्थ अनात्म, उसमें लगा हुआ मन, डूबा हुआ मन दुख का ही तो अनुभव करेगा, सब सुख का अनुभव कैसे कर सकता है? देह भाव घटाएं, और देह भाव घटाएं या ना घटाएं, देह तो छूटना ही छूटना है। और देह भाव नहीं मिटा, शरीर छूट गया, देह मिट गई, तो फिर देह की प्राप्ति होगी। घा घा घट बिन से घट हुई, घट ही में घट राखु समोई, जो घट घटे घटे फिर आवे, घट ही में फिर घट ही समावे। सदगुरु कबीर कहते हैं ज्ञान चौथी सक के दो पंक्तियां हैं, घट शरद माधव सदगुरु कहते हैं घा घा घट बिन से घट हुई। घट
इस शरीर रूपी घट के विनष्ट हो जाने पर पुनः नए घट का निर्माण होगा, नए शरीर का निर्माण होगा। क्यों? क्योंकि शरीर का मुंह बना हुआ है, शरीर के विनष्ट होने पर फिर घट न बने, शरीर न बने तो करना क्या है? घट ही में घट राख समोई, इस शरीर में रहते रहते इसके मोह को इसी में समाप्त कर दें, बस फिर शरीर की प्राप्ति नहीं होगी। और मोह समाप्त दो घट घटे घटे फिर आवे। यदि घट में घटते हैं, शरीर का मोह बना हुआ है, देह की आसक्ति बनी हुई है, तो फिर घट ही फिर आवे, फिर घट में शरीर में आना पड़ेगा और फिर थपड़े और थप्पड़ और ठोकर खाना पड़ेगा। देह भाव जब तक बना रहेगा तब तक दिल पर दिल नहीं होगा और तब तक सब सुख की प्राप्ति भी नहीं हो सकती है। सब सुख क्या है? मन का भटकना मिट जाना, अपने आप में मन का पूर्ण विश्राम पा जाना, पूर्ण तृप्त पूर्ण संतोष, कहीं किसी कमी का अतृप्ति का अनुभव न होना। ये कब होगा? जब आत्मभाव जागृत होगा, आत्मभाव में मन रमन करेगा। इसके बिना दिल पर दिल नहीं हो सकता, सब सुख मिल नहीं सकता है, और उसके लिए हम काम नहीं करते। काम यही करने देह भाव घटाएं और घटाते घटाते इसको शून्य कर दें, तब आत्मभाव बनेगा और तब दिल पर दिल होगा, सब सुख की प्राप्ति होगी। लेकिन ऐसा क्यों नहीं होता? चारों युगन पुकारिया सो संतय दिल माए, चारों युगों में सब सुख, चारों का मतलब है सब समय। सदगुरु कबीर अपनी वाणी में अनेक जगह चारों युग कहते हैं, चारों युग चहु युग शब्द का प्रयोग करते हैं, क्योंकि उस समय ये प्रचलन था कहने का। आज भी हम लोग कहते हैं चार युग, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। अपने समय में प्रचलित जो शब्द हैं, जो परपाटी हैं, उससे कोई भी व्यक्ति सर्वथा अछूता रह नहीं सकता। आखिर जिन लोगों को हम अपनी बात बताना चाहते हैं, तो किन शब्दों का हम प्रयोग करेंगे? उन्हीं शब्दों का, जिन शब्दों को लोग सुनते आए हैं। तो सदगुरु कबीर भी चारों युग कहते हैं, लेकिन ऐसा सदगुरु कबीर सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग ऐसा कोई युग मानते नहीं है। अब पूरा काल में ऐसा युगों का निर्धारण भी नहीं था, ये तो बहुत बात की बात है। ऋग्वेद में अनेक जगह युग शब्द का प्रयोग हुआ है, लेकिन सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग का कहीं वर्णन ऋग्वेद में नहीं है। युग शब्द का अर्थ है ऋग्वेद के अनुसार कहीं पर 5 साल की अवधि, कहीं 5,000 साल की अवधि, कहीं पूरा जीवन, जीवन के 4 पन। ज्यादातर तो युग शब्द का प्रयोग ऋग्वेद में जुआ में पासा फेंकने के अर्थ में हुआ है। युग जोड़ा को भी कहते हैं, बैल, दो बैलों को हल में जब जोतते हैं तो बैलों के कंधे पर रखा जाता है जुआठा, उसको भी वेद में कहा गया है युग कहा गया है। और पासे की गोटी को कहा गया है युग। कि सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग का वर्णन ऋग्वेद में कहीं नहीं मिलता है। छह जो शास्त्र हैं ऋग्वेद, क्या जो चार वेद हैं ऋग, यजुर, अथर्व, सामवेद, इनमें चारों युगों का वर्णन नहीं है। छह शास्त्र हमारे हैं, उनमें चारों वेदों का वर्णन कहीं नहीं है, उनमें चारों युगों का वर्णन कहीं नहीं है। 11 प्रमाणिक जो वेदांत के शास्त्र है, धार्मिक शास्त्र है, उनमें भी कहीं भी युगों का वर्णन नहीं है। पहली बार ऐतरेय ब्राह्मण में चारों युगों का नाम आया है, वह भी लक्षणा अर्थ में आया है। कलि शयानो भवत संजिहानस्तु द्वापरः उत्तिष्ठ मत्रेता भवति कृतम संपदति चरण।
कलिकाल सोया हुआ है, द्वापर जागा हुआ है, त्रेता उठ करके खड़ा हो गया है और सतयुग चल रहा है, गतिशील है, काम में लगा हुआ है। अर्थ है, आदमी जब आलस्य में, निद्रा में, तमस में पड़ा रहता है तब मानो वह कलयुग में निवास कर रहा है। आलस, निद्रा, तंद्रा का त्याग कर दिया, जाग गया, तब द्वापर में चला गया वह, और जा करके खड़ा हो गया काम करने के लिए तैयार, तो त्रेता में चला गया, और जब काम करने लग गया, परिश्रम करने लग गया, तो मानो सतयुग में जी रहा है। इस प्रकार से हमारे जीवन की चार अवस्थाओं का वर्णन चारों युगों में से जोड़ करके किया गया है। सोया हुआ व्यक्ति कलयुग में है, जागा हुआ व्यक्ति द्वापर में, खड़ा हुआ व्यक्ति त्रेता में, और काम करने वाला व्यक्ति सतयुग में। यह अर्थ पहली बार दिया गया, बाद में तो धीरे धीरे अब उसको खूब बढ़ा दिया गया। तो उस समय चारों युगों का प्रचलन था, सदगुरु कबीर उसका प्रयोग करते हैं, लेकिन अर्थ क्या है, सब समय, बहुत दिनों से, पूरा काल से। चारों युगन पुकारिया, पुराने समय से लोग पुकारते आ रहे हैं, उन बातों को सुन सुन करके आदमी के दिल में संदेह पैदा हो गया है कि हमारा सुख का धाम, हमारा मुक्ति का धाम, हमारे परमात्मा का धाम हमसे कहीं अलग बाहर लोक लोकांतर में है। उस परमात्मा से मिलकर, उस मुक्ति धाम में जाकर, आनंद धाम में जाकर, अमुक लोक में जाकर, अमुक लोक में जाकर के हम परम सुखी हो जाएंगे, परम आनंद को प्राप्त कर लेंगे। बस इसी में आदमी का दिल बह रहा है। जब बाहर से कुछ पाने की कामना है, चाहे वो सुख पाने की कामना हो, चाहे मुक्ति पाने की कामना हो, चाहे परमात्मा पाने की कामना, तो दिल पर दिल नहीं होगा, भटकता रहेगा। जब सारी आशाओं का त्याग हो जाता है, कुछ भी इच्छा कामना आशाएं मन में नहीं रह गई, निष्काम हो गया मन, पूर्ण अंतर्मुख हो गया, परमात्मा पाने की वासना यदि है तो भटकाएगा मन, क्योंकि परमात्मा पाने की चीज ही नहीं, परमात्मा मिलता ही नहीं है, क्लेश रहेगा, सुख पर सुख नहीं होगा। बड़े बड़े अच्छे ज्ञानी हैं, बैरागी हैं, तपस्वी हैं, लेकिन व्याकुल बने हुए हैं, क्यों, परमात्मा मिल नहीं रहा है। अगर परमात्मा है क्या चीज जो मिले, सुन लिया है परमात्मा मिल जाएगा तो पूर्ण सुखी हो जाओगे, परमानंद मिल जाएगा, अब बस उसी में बह रहा है मन, आदमी विचारता ही नहीं है कि परमात्मा आखिर है क्या, विचार उधर सोचो तो, परमात्मा मिलना होना कुछ नहीं है। जब बहिर्मुखता मिट गई, अंतर्मुख हो गया मन, आत्मस्थित हो गया, अपने आप में तृप्त, पूर्ण कृतार्थ की दशा, बस आप स्वयं परमात्मा हो गए, सब दुख मिट गया, सब सुख की प्राप्ति हो गई। सब दुख क्या है, मन का बहिर्मुख बने रहना, मन का बहते रहना, ये सब दुख है। जरा सोचें, मन में कोई इच्छा ना हो, कोई कामना ना हो, तो आपको कौन दुख होगा, स्वयं अनुभव करके देख लें। जिस समय आपके मन में कोई इच्छा नहीं रहती, कोई कामना नहीं रहती, आप चुपचाप शांत बैठे हैं, कोई दुख रहता है, कोई व्याकुलता रहती है, कोई बेचैनी रहती है, शांत आप परमात्मा रूप होकर बैठे हुए हैं, और जैसे ही इच्छा शुरू हुई, दिनहीन बन गए, दुखी बन गए, लाचार बन गए, दुखों के सागर से घिर गए। तो मन का बाहर बहते रहना, कुछ पाने की इच्छा करते रहना, कामनाओं में डूबे रहना, ये सब प्रकार का दुख है। मन में कोई इच्छा कामना का ना होना, मन का बहना, मन का भटकना बंद हो गया, मन की बहिर्मुखता मिट गई, मन अंतर्मुख हो गया, आत्मस्थित हो गया, बस सब सुख मिल गया। मिल गया ये भी कहने तरीका, मिला क्या,
वो तो था ही अंदर आपका, आप वैसे स्वयं स्वरूप है ही, तो संदेह में ना पड़े, बाहर से कुछ मिलेगा, इस भ्रम में ना रहे। सारे भ्रमों का निराकरण, सब भ्रम को छोड़ दें, पाने की इच्छा तृष्णा छोड़ दें, बस कृतार्थ। हमारा मन बह रहा है, उस मन के बहकाव को समझें और समझ करके उसे मिटाएं। जब तक अनात्म वस्तुओं में मन डूबा रहेगा, वहां सुख पाने की इच्छा रहेगी, तब तक सब सुख का अनुभव नहीं होगा, केवल दुख दुख रहेगा। अनात्म वस्तुओं का मोह मिट गया, मन आत्मभाव में स्थित हो गया, बहिर्मुक्ता मिट गई, अंतर्मुक्ता हो गई, बस जीवन कृतार्थ, सब सुख की प्राप्ति हो गई। हम लोगों को इस दिशा में आगे बढ़ने की आवश्यकता है।